दोस्तों, सुमिता किचन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई बहुत ही आसान और सिंपल रेसिपी है दोस्तों। हमारे घर में, हमारे रसोई में अवेलेबल होता है उसी सामान से मैं आपको आलू की बोरा बनाना बता रही हूँ। चलिए दोस्तों, इसको हम कैसे बनाएं देखते हैं। दोस्तों, इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें घोल बनाना है बेसन का। हमने इसी कप के मदद से 2 कप बेसन ले लेंगे, वो अपने ऊपर है आप कितना बनाना चाहते हैं। और 1 कप हम चावल का आटा मिलाएंगे। अगर चावल के आटा आप नहीं मिलाना चाहते तो आप इसके जगह कॉर्नफ्लोर भी मिला सकते हैं। अब दोनों चीज़ों को हम मिक्स कर देंगे। थोड़ी सी अजवाइन डाल देंगे, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, थोड़ी सी हल्दी डालेंगे, हल्दी थोड़ा ही डालें, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी मिला के पतला सा घोल रेडी करेंगे। देखिए, हमने इसी तरह से घोल बना लिया। अब हम इसको ढक के 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। अब दूसरी स्टेप पे चलते हैं। देखिए, हमने गैस पे पैन रख दिया, 1 चम्मच ऑयल डाल दिया। ऑयल हमें ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, ऑयल हमारा गर्म हो गया। थोड़ी सी जीरा डाल देंगे, जीरा को चटकने देंगे। जीरा हमारा रेडी है। अब हम 1 बारीक कटी हुई प्याज डालेंगे। प्याज के 1 मिनट तक इसी तरह से चलाएंगे, तब हमें इसी तरह से चलाया। अब प्याज को हमें ज़्यादा नहीं फ्राई करनी है। लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का दरदरा हमने कूट लिया, इसी को डाल दिया। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। देखिए, अब हम सूखा मसाला मिलाएंगे, स्वाद अनुसार नमक, थोड़ी सी हल्दी पाउडर। हम हरी मिर्च डाल चुके हैं इसीलिए थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच हरा धनिया पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर। सारे चीज़ों को हम मिक्स कर देंगे। अब हम बॉयल किए हुए आलू ले लिए 7-8। अब इसको हम मैश करेंगे हाथों से। देखिए, हमने डाल दिया मैश करके। अब हम मिक्स कर देंगे सारे चीज़ों को। देखिए, हमने सारे चीज़ों को मिक्स कर दिया। 1 मिनट तक इसी तरह से हम चलाया। अब हम हरा धनिया डाल देंगे काटी हुई, इसको भी हम मिक्स कर देंगे। अब 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर डालेंगे, इसको भी हम मिक्स कर देंगे। देखिए, आलू हमारा ठंडा हो गया। अब हम थोड़ी सी हाथों में ऑयल लगा लेंगे। इसी तरह से हम टिकिया सी बना लेंगे। इसी तरह से हम सारे आलू को रेडी करेंगे टिकिया बना के। देखिए, हमने सारे रेडी कर लिया। अब गैस की तरफ चलते हैं। अब हम फ्राई करेंगे। हम पहले से गैस के ऊपर कढ़ाई रख दिया, ऑयल रख दिया, रिफाइंड ऑयल है। ऑयल भी हमारा अच्छी तरह से गर्म हो गया। अब हमारा आलू को इस बेसन के अंदर डिप करेंगे इसी तरह से। अब हम छोड़ देंगे ऑयल में। चलिए, अब पलट देते हैं। देखिए, हमने इसी तरह से उलट पलट के दोनों साइड फ्राई कर लिया। देखिए कितना बढ़िया कलर आया है। अब हम निकाल लेंगे। देखिए दोस्तों, हम पास में से दिखा रहे हैं कितना बढ़िया बनी है। जितने में दिखने में सुंदर लग रहा है, खाने में उतना ही टेस्टी है। अब हम निकाल लेंगे। इसी तरह से हम सारे फ्राई करेंगे। देखिए दोस्तों, हमारा आलू बोड़ा बिल्कुल रेडी है। मैं एक दिखाती हूँ, देखिए कैसा आवाज़ आ रहा है। ये बहुत ही टेस्टी बनती है, एक बार इस तरह से ज़रूर ट्राई करें। अगर मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन का दबा देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। थैंक यू।